हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो देखो ये दूसरा बुक का टॉपिक है ठीक है इम्पॉर्टेंट है हुक्स लॉ तो देखो थ्योरम नंबर वन हुक्स लॉ को प्रूव करना है ठीक है स्टेट हुक्स लॉ और प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड द मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन ठीक है मीन का मतलब इनिशियल और फाइनल टेंशन जो लग रहा होगा उसको प्लस करके डिवाइड टू करना होगा ठीक है अच्छा चलो हुक्स लॉ स्टेट करते हैं तो स्टेटमेंट है हुक्स लॉ का द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ ठीक है जो टेंशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसका एक्सटेंशन का ठीक है और बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ का मतलब कि वो डिवाइड में नेचुरल लेंथ जो रहेगा उसको डिवाइड करना होगा ठीक है तो देखो एक इलास्टिक स्ट्रिंग लिए हम ठीक है ओ से ए तक है ठीक है इसको स्ट्रेच किया जा रहा है ठीक है पी तक चलो ओ से ए तक जो है इसको स्मॉल ए नाम रखें ठीक है ये नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग का और ये जो एक्सटेंड किया गया है यहां तक ठीक है तो उस एक्सटेंडेड लेंथ को हम लोग मान लिए एक्स चलो अब लिख देते उसके बारे में लेट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओ ए बी नेचुरल लेंथ जो है वो ए है लेट ओ पी इक्वल्स टू एक्स ओ से पी जो है वो एक्स है इट्स स्ट्रेच लेंथ ठीक है इसका स्ट्रेच लेंथ है ये अच्छा लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी अच्छा इसको खींचे तो इसमें टेंशन लगेगा ठीक है उसको मान लीजिए वो टी है टेंशन अब देखो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हुक्स लॉ के हिसाब से कि टेंशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन का देखो टेंशन प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग एंड नेचुरल लेंथ था तो देखो में नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ठीक है तो अब देखो टेंशन प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग क्या है देखो एक्सटेंशन अभी हम लोग देखो माने थे एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है ओ से पी ठीक है अच्छा मेन एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ थे ये तो नेचुरल लेंथ है ए पी जो है ये इसका एक्सटेंशन लेंथ है ठीक है एक्सटेंडेड लेंथ है तो ये वाला तो इसको हम क्या लिखेंगे ओ पी माइनस ओ ए ठीक है और डिवाइड बाई नेचुरल लेंथ है नेचुरल लेंथ क्या है वो ए है अच्छा देखो ओ पी माइनस ओ ए और डिवाइड बाई नेचुरल लेंथ ओ ए है तो देखो T प्रोपोर्शनल टू ओ पी को हम लोग एक्स मान है माइनस ओ ए देखो ओ ए जो है ओ पी जो है वो x है और ओ ए जो है वो a है तो एक्स माइनस ए और डिवाइड बाई नेचुरल लेंथ वो भी a है ठीक है तो देखो लिख दिए अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे तो एक कांस्टेंट लेना होगा तो t इक्वल्स टू इसको हटा के लैमडा रखे ठीक है अच्छा लैमडा x माइनस ए बाई ए ठीक है अच्छा लैमडा जो है वो कांस्टेंट है और इसको मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं ठीक है अब देखो हुक्स लॉ तो स्टेट हो गया अब हम लोग को बोला है कि वर्क डन निकालें वर्क डन जो होगा वो अच्छा एक्सटेंशन टेंशन जो होगा वो इक्वल होगा इलास्टिक स्ट्रिंग का प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन और मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन का प्रोडक्ट होगा ठीक है ये टेंशन जो होगा वर्क डन तो चलो वर्क डन के लिए फाइनल और इनिशियल और फाइनल टेंशन निकालना होगा तो देखो हम जैसे यहाँ पर एक्सटेंड किया हुआ लेंथ कहाँ तक था पी तक ठीक है उसको एक्स माने थे अब इसको हम और एक्सटेंड कर रहे हैं बी तक उसको अगर एक्सटेंड कर रहे हैं बी तक ठीक है जैसे देखो यहाँ पर हम बनाए हैं नोट में इसको हम बी तक एक्सटेंड किए ठीक है और नाम रख दिया इसको स्मॉल बी ठीक तो इसमें जो टेंशन देखो टेंशन T1 नाम रखे इसका टेंशन इन स्ट्रिंग वन एक्सटेंडेड लेंथ इज B B तक जब खींचे तो उसका टेंशन का नाम रखे T1 ठीक है और T2 जो होगा वो C तक खींचे फिर हम ठीक है तो उसको T2 नाम रखें अब इसके हिसाब से देखो तो टेंशन जो होता है इक्वल्स टू लेमडा इन टू मतलब एक्स माइनस ए बाई ए ठीक है एक्स क्या था उसका एक्सटेंडेड लेंथ था इस बार हम लोग बी तक इसको एक्सटेंड किए हैं तो टी वन क्या होना चाहिए लेमडा बी माइनस ए बाई ए ठीक है और टी टू सी तक एक्सटेंड करेंगे तो लैमडा सी माइनस ए बाई ए ठीक है अब अब देखो अब हम लोग को डन निकालना है ठीक है तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो फोर्स जो टेंशन लग रहा है ठीक है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बी से सी तक हुआ है ठीक है इसलिए हम बी से सी तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे देखो नाउ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम लेंथ एक्स इक्वल्स टू बी टू लेंथ एक्स इक्वल्स टू सी ठीक है अब देखो इंटीग्रेट किए हम बी टू सी और टेन फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट ठीक है तो टी इंटू डी एक्स अच्छा टी टी तो ये वैल्यू है ठीक है तो इस वैल्यू को बैठा दिए पूरा इंटू डी एक्स अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लैमडा बा ये कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा x इंटू डी का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू ये माइनस ए इंटू डी का ए एक्स ठीक है अच्छा और इंटीग्रेट b से c तक ठीक है इंटीग्रेट करना है अब लैमडा बाई ए वैसे ही है ठीक है अब लिमिट बैठाएंगे तो c c बैठाएंगे x की जगह तो सी स्क्वायर बाई टू बी बैठाएंगे तो बी स्क्वायर बाई टू माइनस में ठीक है अब माइनस ए देखो यहाँ पर यहाँ पर सी बैठाएंगे तो ए सी अब माइनस लोअर लिमिट ए बी होगा ठीक तो 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 है तो सी को तो ए को कॉमन लेंगे तो सी माइनस बी तो देखो ए को कॉमन लिया तो सी माइनस बी अब लैमडा बाई ए नीचे में एलसीएम ले रहे तो टू एलसीएम आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये टू ऊपर जाएगा टू ए और सी माइनस बी ठीक है अब देखो ये वाला जो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से तोड़ देते तो ए माइनस बी ए प्लस बी होगा ए माइनस बी जो होगा सी माइनस बी वो इस सी माइनस बी यहां पर भी दोनों बाहर आ जाएगा कॉमन सी माइनस बी लमडा बाई ए ठीक है यहां बचेगा जाएगा सी प्लस बी यहाँ माइनस टू टू ए ठीक है ये तो बाहर आ गया और डिवाइड बाई ये वाला टू अब इसको वैसे ही लिखे अब यहाँ पर यहां पर देखो ये ऐसा है ठीक है माइनस टू है तो एक बार हम सी माइनस ए लिखें फिर प्लस बीच में दिए और इसके बाद बी माइनस ए लिखें ठीक है इसको सॉल्व करने से यही हो जाएगा डिवाइड बाई टू सी माइनस सी माइनस बी ठीक है इस लैमडा को अंदर मल्टीप्लाई किए दोनों में ये टू को बाहर निकाल दिए और इस ए को भी अंदर मल्टीप्लाई किए ए को अंदर मल्टीप्लाई किए लेमडा को भी अंदर तो देखो लैमडा इंटू सी माइनस ए डिवाइड बाई ए बीच में प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किए तो लैमडा इंटू बी माइनस ए और डिवाइड बाई ए वाला ए ठीक है अब ये लेमडा इंटू सी माइनस ए जो है वो देखो ये वाला है इसको टी टू लिख सकते हैं और ये जो है लेमडन टू बी माइनस ए बाई वो टी वन है देखो यही वाला वैल्यू है तो टी वन लिख सकते हैं और हाफ है आगे तो देखो इसको टी वन और प्लस टी टू और डिवाइड बाई ये वाला टू लिख दिया टी वन प्लस टी टू बाई टू और सी माइनस बी है ठीक है इक्वेशन वन का इस्तेमाल करके देखो यूजिंग वन भी लिखे यहां पर अब अब इसका मतलब प्रूव हो गया देखो क्या प्रूव करने बोला था एक्सटेंशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन और फाइनल और इनिशियल वैल्यू का मीन ठीक है तो देखो एक्सटेंशन इनटू एक्सटेंशन ये हुआ ठीक है और प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल और फाइनल टेंशन देखो इनिशियल टेंशन टी वन प्लस टी टू बाई टू ठीक है तो लिख दिए एक्सटेंशन इनटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन ठीक है प्रूव्ड